पॉकीमोन एक्शन बाय एनिमे, मेगा इवोल्यूशन, फेरी पॉकीमोन, गजब के एनिमेशन, इमोशन, एश की मैच्योरिटी एंड पावरफुल बैटल स्किल्स। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि कैलोश के एश को वन ऑफ द बेस्ट एश माना जाता है। मेरे से फैंस के अकॉर्डिंग कैलोश के एश बेस्ट है। ओवरऑल कैलोश के एश को सभी एश के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैलोश एश में ऐसी क्या खासियत थी कि इसे इतना ज़्यादा फैन बेस मिला और ज़्यादातर फैन इसे पसंद करती थी। XY कैलोश क्वेस्ट एंड XYZ एक मेन पार्ट थे पूरे पोकेमोन सीजन्स में से, क्योंकि इसमें स्टोरी लाइन मस्त थी, बैटल एंड एनिमेशन एक अलग ही लेवल पे थी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यूनोवा की स्टोरी ने जो तहलका मचाया था उसको आखिरकार शांत कर दिया कैलोश ने। लेकिन किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, कैलोश एश को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएशन मिला। आज हम लोग यही फाइंड करने वाले हैं कि कैलोश के एश में ऐसा क्या था कि वो इतना ज़्यादा हिट हुआ, और आज हम लोग इसको लुक एंड फील्स, कैरेक्टर एंड बैटल स्किल्स के अकॉर्डिंग जज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एश पहले से बहुत ही कूल एंड बेटर लग रहा था कैलोश में। देन जो पहले के सीजन्स में एश की आउटफिट थोड़ी ब्राइट थी, वो इस बार वैसी नहीं थी। जिस तरह से ऑडियंस का टेंशन जो है वो एश के आउटफिट पे ना जाके एश के मूवमेंट्स एंड एक्शन पे ज़्यादा गया। वेल, अगर नोटिस करोगे तो एश की आईज पहले से ही मच बेटर लग रही थी, बट ये डिज़ाइन का थोड़ा स्पॉइलर हम लोग को बेस्ट विशेस के सीरीज में मिल गया था। पर सबसे पहले जो यूनिक बात है कि इस सीजन में एश के एक्शन एंड मूवमेंट इस सीरीज में बहुत ही मस्त थे, क्योंकि बाकी पहले ऐसा कोई हीरोइक सीन आया नहीं था एश के लिए। बाकी सीजन में तो एश को बस एक ट्रेडिशनल वे में दिखाते थे, या फिर मैं कहूँ तो एश को पहले कार्टूनी लुक दिया गया था और कभी भी एनिमे वाली फील नहीं आई थी। बट कैलोश में फाइनली उसको मिला एक बेटर एंड अट्रैक्टिव लुक, एंड जो भी ये चाहते थे कि एश को थोड़ा टीनेज लाइक लुक मिले, तो हाँ उनको बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा ये देखने के बाद, क्योंकि एश थोड़ा ग्रोन अप जैसा लग रहा था कैलोश में अपने लुक के कारण ही। और फिर उसके बाद ये चमत्कार हो गया, एंड पता नहीं क्या अलोलन एश को पोकेमोन कंपनी ने क्या सोच के स्टाइल दिया और कुछ ज़्यादा स्टाइलिश बना दिया एश को इस बार। लेकिन फिर आया गलार का एश जो मच बेटर था अपने अलोला के एश से। हर रीज़न की एश की एक अलग ही पर्सनैलिटी थी। धीरे धीरे हम लोग को एश मैच्योर होते हुए दिखा, लेकिन कभी कभी ये चीज़ें उल्टी भी हुई है। लाइक इंटेंस यूनो एश से ये तुरंत कन्वर्ट हो गया डंप यूनोवा एश में। स्टार्टिंग में कैंटो एश में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और उस टाइम उसकी चाइल्डिश पर्सनैलिटी उस पर शूट भी करती थी, लेकिन कैंटो के बाद धीरे धीरे एश की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आता रहा डायमंड एंड पर्ल सीरीज तक, क्योंकि उसके बाद तो एश को कोरोना हो गया था। मतलब उस टाइम हम लोगों को भी नहीं पता था कि एश को हुआ क्या है। लेकिन अगर तुम्हें शिनो एश पसंद है तो हाँ, लाइक बटन को 3 बार क्लिक करो। बेस्ट विशेस सीरीज काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटिंग थी, और वो हो भी क्यों ना, एश को बिल्कुल ही इमेच्योर दिखाया गया उसमें और बहुत ही अजीब अजीब सीन्स भी हुए उसमें अगर देखा जाए तो। लेकिन उसके बाद आया एक्शन वाई, जिसमें एश के अंदर पहले की तरह बिल्कुल चाइल्डिश नेचर तो हल्की फल्की थी, पर साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर बन गया। एंड ऑफकोर्स कुछ ऐसे भी एपिसोड्स थे जिसमें एश ने कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हो, लेकिन एश का पोटेंशियल एज अ ट्रेनर काफ़ी इंक्रीज हुआ था एंड काफ़ी सारे सैड मूवमेंट्स भी आए थे इसी सीरीज के अंदर। ये सिर्फ एक अच्छा स्टोरी का पार्ट था। एक कॉन्फिडेंट एश की हम लोगों को जो यूनोवा के बाद काफ़ी ज़रूरत थी वो हमें आखिरकार मिला। कैलोश का एश एक तरह से इंस्पिरेशन था हम लोगों के लिए भी और साथ ही साथ एश के कंपेनियंस के लिए भी। एक बात है जो कैलोश के एश को सबसे अलग बनाती है, वो था एश के कंपेनियंस के लिए रिस्पेक्ट। एंड कैलोश में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला था एश और सभी की हेल्प कर रहा था, इवन सईना एंड क्लेमेंट की भी। कैलोश एश फोकस था अपने गोल को अचीव करने के लिए। एक और चीज़ है जो कैलोश एश को बहुत ही पॉपुलर बनाई है वो थी सईना, क्योंकि आर्मर शिपिंग एक अलग ही लेवल पे थी एंड इस चीज़ को काफ़ी सारे फैंस ने बहुत ही क्लियरली इन्जॉय भी किया था। हम लोगों ने तो कैलोश एश के लुक एंड कैरेक्टर पे बात कर लिया, लेकिन बिना एश के बैटल स्किल्स पे बात किए हुए इस वीडियो को हम लोग एंड नहीं कर सकते। कैलोश एश अपने बैटल स्किल्स के कारण भी काफ़ी चर्चे में था।
और यहाँ पे भी हमें एश की बैटल स्किल्स में इवोल्यूशन देखने को मिला। बट अलायन, जिसके सामने एश कैलोस लीग के फाइनल्स में हार गया, एश का ये लॉस फैंस को कहीं ना कहीं तो परेशान किया ही है, क्योंकि इस बार एश पहले से सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव था और डिजर्विंग भी। लेकिन इस बार एश ने एज अ ट्रेनर वो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करी हो जो एश ने पहले किया हो। और ये भी है कि कैलोस में एश ने अपने बैटलिंग डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव किया है एज कम्पेयर टू एनी अदर रीजन, एंड स्ट्रैटेजी भी एश की थोड़ी बेटर हुई है इन कैलोस। दैट्स द रीजन कि कैलोस एश इतना फेमस हुआ है, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यू एनिमे सीरीज के एश भी कैलोस एश को टक्कर दे पाए। सो या अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना मैन, ऑफकोर्स मैन लाइक इट, एंड अगर न्यू हो तो देन बी श्योर टू सब्सक्राइब इट गाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन दिस इज पोकेमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।